दोस्तों नमस्कार। आज हम राजस्थान पुलिस पेपर-8 2017 हल करेंगे। मैं इससे पहले 7 पेपर और अपलोड कर चुका हूँ जो राजस्थान पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप ज़रूर देखें। पुलिस के अलावा यह पेपर आरपीसी, रीट एवं राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। भाग ब में अपना प्रथम क्वेश्चन है, एशिया के संदर्भ में भारत किस भाग में स्थित है? यानी क्वेश्चन अपना, एशिया के संदर्भ में भारत किस भाग में स्थित है? आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में है? प्रश्न अपना, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा मेघालय। अगला क्वेश्चन अपना, कौन सा महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहलाता है? यानी क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहलाता है? आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ध्यान रहे, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराह मिहिर किसके दरबार से संबंधित था? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी क्वेश्चन था फ्रेंड अपना, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराह मिहिर किसके दरबार से संबंधित था? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी अगला क्वेश्चन, भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आंसर है होमी जहांगीर बाबा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को किसके मध्य हुआ था? यह था बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य। यानी प्रश्न अपना, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? आंसर होगा बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य। ध्यान रहे, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी था जो पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध के दौरान ही मारा गया था। तो दोस्तों, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध के दौरान मारा गया। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था? आंसर है भीमसेन प्रथम। अगला क्वेश्चन अपना, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? यानी क्वेश्चन अपना, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? आंसर होगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? यानी क्वेश्चन है, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? आंसर है 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? यानी प्रश्न अपना,
समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? आंसर होगा गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? आंसर है कटक में। ध्यान दे दोस्तों, कटक उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है? आंसर होगा फोरट्रान, यानी कंप्यूटर की असेंबली भाषा को फोरट्रान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन अपना, मर्तकों का टीला के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन अपना, मर्तकों का टीला के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा मोहनजोदड़ो सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है, यानी क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? आंसर होगा उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? आंसर है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति का गठन हुआ, यानी क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? आंसर है 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर होगा ऋग्वेद में, यानी गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के घुटने में कौन सी अस्थि पाई जाती है? यानी क्वेश्चन है, मनुष्य के घुटने में कौन सी अस्थि पाई जाती है? आंसर होगा पटेला अस्थि। ध्यान रहे, पटेला अस्थि सर्वाधिक वजन उठाने में सहायक होती है। यानी अगला क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन कहलाता है? क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन कहलाता है? आंसर होगा हिमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या है? यानी क्वेश्चन है, मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या है? आंसर है 12, यानी मनुष्य में स्थायी दांत 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना, भोजन के पाचन का सही क्रम है? यानी क्वेश्चन है, भोजन के पाचन का सही क्रम है? आंसर होगा अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, फिर अवशोषण, उसके बाद स्वागिकरण और लास्ट में उत्सर्जन। यानी भोजन के पाचन का सही क्रम है अंतःकरण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, किस देश में महिलाओं को ड्राइविंग के बाद अब स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी एंट्री प्रदान की गई है? यानी क्वेश्चन है, किस देश में
महिलाओं को ड्राइविंग के बाद अब स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी एंट्री प्रदान की गई है। आंसर है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2017 को 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? आंसर होगा भुवनेश्वर, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बटालियन का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ होगा? आंसर है प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन, देश का कौन सा राज्य ई कैबिनेट बनने वाला दूसरा राज्य होगा? यानी क्वेश्चन है, देश का कौन सा राज्य ई कैबिनेट बनने वाला दूसरा राज्य होगा? आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, 2017 का गणतंत्र दिवस 2017 का गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह है कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है जोधपुर में। अब स्टार्ट करते हैं भाग से। तो फ्रेंड, भाग से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर्स जरूर करें। भाग समय फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है घग्गर नदी। ध्यान रहे, इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, इतना मजबूत दुर्ग मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा, यह पंक्ति किस दुर्ग से संबंधित है? यानी ध्यान से देखना, क्वेश्चन है, इतना मजबूत दुर्ग मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा, यह पंक्ति किस दुर्ग से संबंधित है? आंसर है बटनेर दुर्ग से। यानी यह पंक्ति तैमूर द्वारा कही गई थी। ध्यान रहे, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी बठनेर दुर्ग है। अगला क्वेश्चन, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? यानी क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की गुलाब नगरी किसे कहा जाता है? आंसर होगा पुष्कर को। यानी पुष्कर राजस्थान की गुलाब नगरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्वेश्चन है, मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर होगा बप्पा रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? आंसर है दुर्गादास राठौड़ को। अगला क्वेश्चन, खातोली का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य कब हुआ? आंसर है 1517 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया? यानी क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है हाकिम खान ने। ध्यान रहे, प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम खा था। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा
संग्राम सिंह सेकंड द्वारा, यानी उदयपुर में सहेलियों की वाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान के एकीकरण के समय राज प्रमुख एवं महाराज प्रमुख बनने वाला एकमात्र शासक था। आंसर है मेवाड़ के भूपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति हुई थी, यानी क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। आंसर है ब्राह्मणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, यानी क्वेश्चन है राजस्थान कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है। आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस दिन पड़ती है, यानी क्वेश्चन है राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस दिन पड़ती है। आंसर है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, घोड़े की मजार स्थित है। आंसर है तारागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, अगला क्वेश्चन है ब्रेंड अपना, प्रतिहार कालीन सबसे प्राचीन केंद्र है। आंसर है ओसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमहंस मंडली का संबंध किस संप्रदाय से है। आंसर है जशनाती संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य किया जाता है। आंसर है बिल्लो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनपतियों का नगर कहलाता है। क्वेश्चन है धनपतियों का नगर कहलाता है। आंसर है फतेहपुर। ध्यान रहे फतेहपुर सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता किस माह में होती है। आंसर है अगस्त माह में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सर्वाधिक निकट सागरीय भाग है। आंसर है कच्छ की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का उद्घाटन स्थल है। आंसर है बगदरी गांव। क्वेश्चन है पंचायती राज का उद्घाटन स्थल है। आंसर होगा बगदरी गांव नागौर, नागौर यानी बगदरी गांव नागौर में 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन, केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित कवि है, यानी क्वेश्चन है केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित कवि है। आंसर है श्यामल दास। अगला क्वेश्चन है, चोपड़ा झील अवस्थित है। आंसर होगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामाया मंदिर अवस्थित है। आंसर होगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। आंसर है पापू जी को। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता के लोग प्रसादन प्रेमी थे, यानी क्वेश्चन है किस सभ्यता के लोग प्रसादन प्रेमी थे। आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है, यानी क्वेश्चन है राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है। आंसर है बसंतगढ़ सिरोही से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के
क्षेत्र में विंध्य का पठार स्थित है? आंसर है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात कितना है? यानी क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात कितना है? आंसर है 888। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने प्रतिशत वार्षिक वर्षा होती है? क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने प्रतिशत वार्षिक वर्षा होती है? आंसर होगा 57.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी फसल है जिसके पौधे का लगभग 80% विकास रात में होता है? आंसर होगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यानी क्वेश्चन है, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आंसर होगा लोक नृत्य में। अगला क्वेश्चन है, कजली तीज का मेला कब लगता है? आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, यानी भाद्रपद माह की कृष्ण तृतीया को कजली तीज का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है अपना, नियमित जनगणना करने वाला वायसराय कौन था? क्वेश्चन है, नियमित जनगणना करने वाला वायसराय कौन था? आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के राज महलों को विंडसर महलों की संज्ञा किसने दी? क्वेश्चन है, उदयपुर के राज महलों को विंडसर महलों की संज्ञा किसने दी थी? आंसर होगा फर्गुसन ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले खोजा गया ताम्र सभ्यता स्थल है? आंसर है कुराड़ा, यानी सबसे पहले खोजा गया ताम्र सभ्यता स्थल है कुराड़ा। ध्यान रहे, कुराड़ा नागौर में स्थित है, जहाँ 1934 में कुराड़ा सभ्यता खोजी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है? क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है? आंसर होगा राई या गौरी। अगला क्वेश्चन, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार शुरू किया गया? क्वेश्चन है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार शुरू किया गया? आंसर है 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाकला गांव प्रसिद्ध है? आंसर होगा दरियों के लिए। अगला क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रदेश के किस स्थान पर मेडिकल पार्क बनाया जाएगा? आंसर है निमराणा में। यानी क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर मेडिकल पार्क बनाया जाएगा? आंसर है निमराणा में। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रस्तावित चौथा विकास प्राधिकरण वाला शहर होगा? आंसर है भिवाड़ी। अगला क्वेश्चन, देश का पहला सामुदायिक मदर मिलक बैंक कहाँ खोला जा रहा है? आंसर है भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई? आंसर है कोटा में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? आंसर है 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? आंसर है जयपुर। ध्यान रहे, इसकी स्थापना 1857 ईस्वी को मदरसाए हुनरी के नाम से की गई थी, जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपना, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले संत थे? आंसर होगा दादू दयाल। अगला क्वेश्चन, मीरा दातार की दरगाह है किस दुर्ग में स्थित है? आंसर है तारागढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन, लेजिम किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? क्वेश्चन है लेजिम किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? आंसर है घन वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है? आंसर होगा श्री कृष्ण लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राज्य में पाई जाने वाली कुल जनजातियों की संख्या है? आंसर है 12। यानी क्वेश्चन है, राज्य में पाई जाने वाली कुल जनजातियों की संख्या है? आंसर होगा 12 जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 ग्राम रुई से तैयार की गई रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? आंसर है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? आंसर होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला रेलवे स्टेशन जो पूर्णतः कैशलेस बन गया है? आंसर है जयपुर रेलवे स्टेशन।